हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल राज बाइक डॉक्टर। दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, बाइक के जो किन किन कारणों से ओवर हीटिंग होती है दोस्तों, और इसे कैसे बचाया जा सकता है दोस्तों, तो इसी विषय में हमारा टॉपिक है दोस्तों। जो हमारे बाइक ओवर हीटिंग होती है दोस्तों, उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा होने से हमारे बाइक जो इंजन होता है दोस्तों, वो सीज हो सकता है दोस्तों, इंजन जाम हो सकता है दोस्तों, हमारी बाइक ख़राब हो सकती है दोस्तों। तो हमें कोशिश करना चाहिए दोस्तों बाइक ओवर हीटिंग बचाने से। तो इसका मैं आपको बताने वाला दोस्तों, ये ओवर हीटिंग क्यों होती है, किस तरह से होती है, इसको कैसे बचाना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बने रहिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दें, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका जो फर्स्ट कारण है दोस्तों, वह इसका ऑयल। अगर इसका ऑयल का गेज दोस्तों, ऑयल कम है दोस्तों लेवल से इसके, तो हमारी बाइक ओवर हीटिंग होगी दोस्तों। हमें दोस्तों चेक करना चाहिए कि हमारा ऑयल का लेवल कम तो नहीं, अगर कम है तो दोस्तों टॉप अप करना चाहिए दोस्तों, इससे हमारी बाइक का लेवल पूरा हो जाएगा दोस्तों, और हमारी बाइक ओवर हीटिंग होने से बचेगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो ऑयल होता है दोस्तों, वही मोटरसाइकिल की जो बाइक होती है उसकी जान होता है दोस्तों, वही इसको अंदर चारों तरफ घूमता है उसके अंदर, और इसको ओवर हीटिंग होने से बचाता है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना घर्षण होता है इंजन में, तो घर्षण होगा तो बाइक ओवर हीट होगी दोस्तों। अगर ऑयल पर्याप्त मात्रा में रहेगा दोस्तों, तो बाइक में जो घर्षण होता है वो कम होगा दोस्तों, और बाइक ओवर हीटिंग नहीं होगी दोस्तों। हमें ज़्यादा ऑयल हमारा ख़राब नहीं हुआ, ऑयल का लेवल कम है, तो हमें इसको टॉप अप करना चाहिए दोस्तों। 100-150 ग्राम जो भी कम होता है दोस्तों, वो गाल देना चाहिए दोस्तों 1000-1500 किलोमीटर के बाद। और अगर दोस्तों हमारा ऑयल ज़्यादा वेयर कर गया दोस्तों, तो हमें इसको चेंज करना चाहिए दोस्तों। और दूसरा टॉपिक दोस्तों, हमारे जो टायर होते हैं दोस्तों, वो फ्री नहीं होते, जाम होते हैं। तो हमें दोनों टायरों को मेन स्टैंड पर खड़ा करके चेक करना चाहिए दोस्तों, टायर कहीं जाम तो नहीं आगे पीछे दोनों। पहले आगे वाले को घुमा के देखना चाहिए कि वो जाम तो नहीं है, जाम है तो चेक करना चाहिए दोस्तों किस कारण से वो जाम है। पहला कारण होता है दोस्तों उसके बेयरिंग, अगर उसके बेयरिंग ख़राब होंगे तो जाम होगा। और दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों, उसकी जो ब्रेक की वो वायर है दोस्तों, वो कहीं जाम तो नहीं है दोस्तों, कहीं ख़राब तो नहीं है, उसके वजह से अगर उसकी वो ख़राब है तो उसको चेंज करना चाहिए, और नहीं तो उसका जो ब्रेक को हल्का सा लूज करना चाहिए, ताकि हमारा टायर आराम से घूम सके दोस्तों। दोनों ब्रेक को आगे पीछे को इसी तरह से चेक करना चाहिए दोस्तों, ताकि बाइक के टायर जो फ्री है वो एकदम फ्री रह सके। और उसके बाद दोस्तों तीसरा कारण है दोस्तों, वह है दोस्तों इसका जो हमारी बाइक मिट्टी में चलती है, कीचड़ में चलती है दोस्तों, तो उसके पूरे इंजन के ऊपर मिट्टी लग जाती है दोस्तों, पूरा इंजन लथपथ रहता है, बाइक में सना हुआ रहता है चारों तरफ से, तो उसको हटाना चाहिए दोस्तों। और इसको टाइम से टाइम वॉशिंग करना चाहिए, ताकि वो बाइक ओवर हीटिंग होने से बचे दोस्तों। चौथा कारण है दोस्तों ओवर हीटिंग होने का, वह है कि दोस्तों जिसकी चेन होती है दोस्तों, अगर वो ज़्यादा लूज होगी और अगर ज़्यादा टाइट होगी दोस्तों, उसमें बिल्कुल भी चिकनास ना होगी दोस्तों, बाइक ओवर हीटिंग होगी दोस्तों, दो क्योंकि दोस्तों उसका बैलेंस बनेगा नहीं सही चलने के लिए। ज़्यादा टाइट होगी तो दोस्तों वैसे घिसेगी दोस्तों, टायर को जाम रखेगी, और दोस्तों लूज होगी तो भी उसका बैलेंस बनेगा नहीं दोस्तों, उस मौसम पकड़ेगी नहीं बाइक दोस्तों, चलेगी भी नहीं। तो दोस्तों यही कुछ कारण है दोस्तों ओवर हीटिंग होने के दोस्तों, तो इनसे हमें बाइक को बचाना चाहिए दोस्तों, हमारी बाइक की लाइफ बढ़ानी चाहिए, इनको कारणों को सुधार कर दोस्तों। वीडियो चलेगी वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब जरूर करें, 5 बजे बेल आइकन का बटन दबाएं, उसको प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों, और मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सके दोस्तों। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप YouTube पे देख रहे हो, और अगर Facebook पे देख रहे हो तो हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे दोस्तों। और हमारे Instagram हैंडल को फॉलो करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों आपके लिए। और जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में लिए, तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद।